एक छोटी कहानी पे अनमोल सीख लेकर आए। आपको एक छोटी छोटी कहानी पे एक बड़ी सीख मिलने वाली है। हमारा नाम साहिबा खान है, हमारे पापा का नाम जावेद खान है, हम कोर्ट से हैं। आज हम कुछ एक छोटी कहानी पे अनमोल सीख लेकर आए हैं। आपको एक छोटी छोटी कहानी पे एक बड़ी सीख मिलने वाली है, तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक ने टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज़ पे सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब तो वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उसने प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गईं। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसने कहा गया कूदो, तो वो हिल भी नहीं पाया। अब आखिरी टांग टूट गई। फिर अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया, जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया, और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात थी। ये हमारी कहानी थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा हो, है ना, कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसको समझ में नहीं आई। या फिर कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे ना कि ये किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसी घटती हैं कि उनका एक दूसरे से गहरा संबंध कभी कभी दिखता कुछ और है, समझ में कुछ और आता है, वास्तव में होता कुछ और है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। हमेशा समझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार करके ही निकालें। दोस्तों, आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ और उनकी सीख कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।